हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड से बने गुलाब जामुन, जिसके लिए मैंने यहाँ सामान ले लिया है। 4-5 ब्रेड, मिल्क पाउडर, हरी इलायची, थोड़े से कटे हुए काजू और किशमिश, चीनी, पानी। इसके लिए आपको चाहिए एक कटोरी, जिस कटोरी से आप चीनी डालें एक कटोरी चीनी, उसके बाद एक कटोरी ही आप उसमें पानी ऐड करें। एक कटोरी आप पानी ऐड कर दें। गैस को आप लो फ्लेम पे रखें। आपको इसको जब तक चलाना है जब तक चीनी घुल नहीं जाती। यहाँ पे चाशनी को गाढ़ी होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप इस ब्रेड का ये वाला पार्ट निकाल दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको ग्राइंड करके बुरादा बना लिया इसका ब्रेड का। अब आप 2 से 3 इलायची कूट कर इसमें डाल दें, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब आप पीसे हुए ब्रेड को एक प्लेट में निकाल लें। आप किसी अब आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून। अब इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। इसको मिलाते जाएंगे, उसके बाद हमें जितनी ज़रूरत लगेगी उतना ही मिल्क ऐड करेंगे। अभी मुझे इसमें थोड़ी सी और ज़रूरत लग रही है, तो इसमें हम 2 चम्मच और ऐड कर देंगे। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है गुलाब जामुन सॉफ्ट बनते हैं। बहुत ज़्यादा इसको ना ही टाइट बहुत ज़्यादा सानना है, ना ही बहुत ज़्यादा इसको गीला करना है। अब आप इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख दें, ताकि इसमें जो भी दूध है ये इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाशनी जो है बनके तैयार हो गई है। चाशनी को ना आपको बहुत ज़्यादा पतला रखना है, ना ही बहुत गाढ़ा। बहुत पतली रहेगी तो उसमें गुलाब जामुन जो है वो घुल जाएंगे, और बहुत गाढ़ी हो जाएगी तो उसमें गुलाब जामुन उसका सीरा जो है वो सूख नहीं पाएगा। आपको इसको 5 से 7 मिनट तक रखना है। अपने हाथों से इसको चेक कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा टाइट हो गया है।
इसमें कोई तार नहीं बनना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस पर कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, और अभी मैं इसमें घी डालूँगी। आपको गुलाब जामुन तलने के लिए जो भी सही लगे, घी या तेल जो भी हो आपके पास वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी लिया है, अब आप देख सकते हैं कि ये तैयार हो चुका है। अब इसका हम छोटा छोटा सा गुलाब जामुन बना लेंगे सेम आकार का। गाइज आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लें, जो आपका मिश्रण है आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लें। आप इसको अच्छे से मिला लें। जिससे कि हाथ में चिपकेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से इसकी गोलियां बन जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। अब आप इसकी छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लें। आप इसमें बीच में एक काजू और किशमिश का टुकड़ा डाल दें। ऐसे आप इसकी छोटी छोटी सी गोलियां तैयार कर लें बढ़िया से। अब इसमें काजू का और किशमिश का टुकड़ा बीच में डालते हैं, ऐसे करके इसको बंद करते हैं। ऐसे ही करके आप सारे गोलियों को तैयार कर लें। देखिए अब जो गुलाब जामुन की गोलियां हैं बिल्कुल ही चिकनी बन रही है, कहीं से भी इसमें दरारें नहीं आई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सारी गोलियां बनके तैयार हो गई है। अब हमारा घी भी गर्म हो चुका है, घी अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप डालें। एक डाल के आप चेक करें, अगर नीचे चिपक रहा है तो समझिए घी आपका कम गर्म है। हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम गोलियां इसमें डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। आप इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे से पका लें।
बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि ये जो गुलाब जामुन है अच्छे से अंदर से पक जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन जो है ना इसमें दरारें आ रही हैं और ना ही ये फटा है। इसको बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे पकाना है आपको। इसको हल्के हाथों से ऐसे चलाते रहना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए गुलाब जामुन को तलने के लिए डाल देंगे। जो मैंने यहाँ पर गुलाब जामुन निकाला है हम उसको सीधा सीरे में डाल देंगे ताकि ये सीरे को अच्छे से सोख ले। गरम गरम डालेंगे तो ये जल्दी सोखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं गुलाब जामुन कितना बढ़िया रेड हो चुका है। इस गुलाब जामुन को जो चला लेंगे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको। इसको ऐसे रखते पलटते रहना है ताकि नीचे से चिपके ना। हल्के हाथों से लट्टा पलटना है ताकि ये फूटे ना। ये गुलाब जामुन पक चुका है बिल्कुल ही अच्छे से पक के लाल हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। आप ध्यान रखें कि गुलाब जामुन को जो है एकदम स्लो फ्लेम पर ही पकाएं ताकि वो अच्छे से अंदर से पक जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये गुलाब जामुन पक चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम डाल देते हैं सीरे में। गाइस आप देख सकते हैं कि इस गुलाब जामुन का कितना अच्छा कलर आया है। हमारा गुलाब जामुन बनके तैयार है। अब आप इसको 15 मिनट के बाद निकाल सकते हैं। अब आप इसे गरम गरम 15 मिनट के बाद खुद खाइए और अपने घर वालों को खिलाइए।